सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रत्नेश और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश टेक। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में कैमरा से फोटो जो क्लिक करते हैं उसमें कस्टम वाटरमार्क कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, वाटरमार्क का मतलब आपको अगर पता नहीं है तो इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोटो लगा हुआ है इसमें आप लोग को एक नीचे की ओर दिखाई देगा मोबाइल का जो वाटरमार्क होता है, जिस भी मोबाइल के द्वारा आप फोटो खींचेंगे उस मोबाइल का वहां पे वाटरमार्क लगा होता है। सो दोस्तों, उसके नीचे आप अपने कस्टम वाटरमार्क कैसे कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने मर्जी से अपना नाम वाटरमार्क में कैसे लिख सकते हैं, और कोई भी फोटो पे वहां पे लगा होता है डेट स्टाम्प। सो दोस्तों, वो मतलब आप फोटो क्लिक किए उसमें डेट होता है। सो दोस्तों, इस फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिखा होगा डेट स्टाम्प, उस फोटो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जिस डेट को आप खींचे होंगे फोटो वो डेट वहां पे लिखा हुआ। सो दोस्तों, चलिए ये कैसे करते हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे होगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा ताकि मैं और भी ज्यादा आप सबसे कनेक्टेड रह पाऊं। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आपके पास रेडमी का डिवाइस है तो वहां पे आपको चले जाना है अपने डिवाइस के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद उसको वहां पे आपको क्या करना है कि लिखना है वाटरमार्क। सर्च बार में वाटरमार्क लिख कर वहां पे वाटरमार्क जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपका सर्च रिजल्ट में आएगा डिवाइस वाटरमार्क। सो दोस्तों, डिवाइस वाटरमार्क पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे वहां पे आपको एक कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमाइज का, उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा कैमरा मोड का ऑप्शन मिलेगा। सो दोस्तों, वहां पे कैमरा मोड पे आपको क्लिक कर देना है। कैमरा मोड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पे दोस्तों आपको कैमरा मोड पे क्लिक कर लेना है। कैमरा मोड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं वहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक तो जो भी आपका डिटेल है कैमरा का वो नीचे से स्क्रॉल करने पे आएगा और एक साइड से स्क्रॉल करने पे आएगा। सो दोस्तों, आपको जो भी अच्छा लगे वहां पे आप लोग देख सकते हैं, जो भी अच्छा लगता है वहां पे आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका दूसरा है कलर का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कौन सा कलर में आप वहां पे जब फोटो क्लिक करते हैं तो कौन सा कलर आपको चाहिए वो हो जाएगा। और तीसरा में वहां पे आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, उससे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको और ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको वाटरमार्क का मिलेगा। सो दोस्तों, वाटरमार्क पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम स्टैम्प का। सो दोस्तों, इसे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे आप कोई सा भी फोटो क्लिक करेंगे उसके फोटो के बगल में आपको डेट एंड टाइम शो होने लगेगा। सो दोस्तों, अगला ऑप्शन है वाटरमार्क का, जिस वाटरमार्क पे आपको क्लिक कर देना है। वाटरमार्क पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसे ऑन रखना है। वाटरमार्क पे क्लिक करके ऑन रखना है और नीचे की ओर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कस्टम वाटरमार्क। सो दोस्तों, कस्टमाइज उसको कर लेना है। जैसा कि मैं अपने केस में यहाँ पे रत्नेश टेक लिखा हूँ, अगर मैं कोई सा भी फोटो क्लिक करता हूँ तो वहां पे रत्नेश टेक लिखा हुआ आएगा। सो दोस्तों, देख सकते हैं इस पिक्चर में मेरे को जो भी पिक्चर है यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस पिक्चर में रत्नेश टेक लिखा हुआ आ रहा है। सो दोस्तों, चलिए यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि और भी ज्यादा मैं आप सबसे कनेक्टेड रह पाऊं। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।